दोस्तों आइए आज आपको मैं इस दुनिया की सबसे छोटी भूतिया कहानी सुनाता हूँ। सबसे छोटी से मेरा मतलब है कि सिर्फ दो लाइन की, और हो सकता है कि आपने ये कहानी पहले भी सुनी हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके ये मत लिखना कि हमने सुनी हुई है। ये कहानी सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने इसे पहले ना सुना हो। ये कहानी दरअसल 1948 में फ्रेडरिक ब्राउन ने लिखी थी, और ऐसा नहीं है कि ये कहानी सिर्फ दो लाइन की है। दरअसल ये कहानी बड़ी है, लेकिन इस कहानी के पहले ही दो लाइन अपने आप में एक कहानी बयां करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार की है कि पृथ्वी पर बचा आखिरी आदमी एक कमरे में अकेला बैठा था, और तभी दरवाजा नॉक हुआ। दोस्तों अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई तो लाइक बटन को जरूर दबाइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को भी जल्दी से दबा दीजिए।